माननीय उद्योग मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री अतिथि श्री पांडे जी, माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल, माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री वीरेंद्र सिंह मस्त, माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी, हमारे श्री दिलीप पांडे जो हमारे एमएलए हैं, और श्याम सिंह यादव जी और आसिफ भाई। मैं बलिया का रहने वाला हूं और मेरे विचार से पूर्वांचल एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक सामूहिक विवरण है हमारी जीवन शैली का और हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे साहित्य का एक बहुत बड़ा एक सामूहिक विवरण है। और जो स्पिरिट है, जो पूर्वांचल की जो शक्ति है, वो केवल कुछ जिलों के लिए की नहीं है, बल्कि हमारी पूरी संस्कृति, परंपरा, लोक साहित्य, संगीत, साहित्य, कविता, इन सबको एक पूर्वांचल को डिफाइन करती है। और ये जो भावना है, ये हम सब लोग या हिंदुस्तान में रहें या विदेश में जाएं, इसको हम हमेशा आगे लेकर ले जाते हैं। और पूर्वांचल एक ऐसा क्षेत्र है जिसने ना केवल मुंशी प्रेमचंद और भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रोड्यूस किया, बल्कि हमारे हॉकी के ध्यानचंद जी, हमारे मंगल पांडे, हमारे बिस्मिल्ला खान, बिरजू महाराज, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के महेंद्रनाथ मुल्ला, ये सब पूर्वांचल से ही हैं। और मैं आसिफ भाई की बहुत तारीफ करना चाहूँगा, जिन्होंने कोविड समय में पूर्वांचल क्षेत्र के सारे लोगों की मदद की। और उस समय में कई इनके प्रोग्राम्स में, जहाँ इन्होंने कई कार्यक्रम किए, जैसे कि जो लोग बहुत सफ़र कर रहे थे उनकी मदद के लिए मैं आया उनके कार्यक्रम में। और इसी समय इन्होंने ये बहुत बड़ा एक माटी काव्य संग्रह, जो कि मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग को पूर्वांचल से की ज़मीन से जुड़े रहने के लिए बहुत इंस्पायर करता है, और वहाँ के माने हुए कवियों को सबको इकट्ठा किया और 108 कवियों को, जो उर्दू, हिंदी, अवधी, भोजपुरी सब में लिखते हैं, और वहाँ के कल्चर हो, ट्रेडिशन हो, वहाँ का एस्पिरेशन हो, सबको इन्होंने जोड़ा है। और मैं आसिफ आजमी भाई ने ना केवल 108 कवियों को जोड़ा है, बल्कि पूरे पूर्वांचल को जोड़ा है। तो इन्होंने बहुत बड़ा एक काम किया है, और मैं इनकी तारीफ करना चाहूँगा। और इस अवसर पर मैं पूरे माटी को की तारीफ करना चाहूँगा कि ये, और मैं आप सब लोगों को से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस किताब को ज़रूर खरीदिए। केवल एक किताब को ना खरीदिए, बल्कि 10-10 किताब खरीदिए, क्योंकि पूर्वांचल की मदद हम इसी तरह कर पाएंगे अगर हम वहाँ की कविता, वहाँ की लिटरेरी वर्क, वहाँ के कल्चर को हम प्रमोट कर पाए। और यही पूरा लक्ष्य है आसिफ भाई जी का। तो हम सब लोग मिलके, और मैं कहना चाहूँगा कि नीति आयोग की तरफ से हम सब लोग मिलकर 100 किताब, हम वहाँ के ऑफिसर लोग सारे मिलकर करीब 100 किताबें खरीदेंगे, और पूरे भारत सरकार के सारे ऑफिसरों में इस किताब को बांटेंगे। तो हमारी, मैं आज इस समय 100 किताब का ऑर्डर सीधे देता हूँ, और मैं अपनी तरफ से सबको बांटूंगा, जो भारत सरकार के जितने सचिव लोग हैं उन सब में बांटूंगा, कि उन सबको पता चले कि पूर्वांचल के जो इतना बड़ा ट्रेडिशन है लिखने का, उन सब लोगों को पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद।